तो हेलो गाइस, मेरा नाम है तो स्वागत है आपका एक GD5 के वीडियो में। कैसे हो सबके सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अब लास्ट वाली वीडियो में देखो, हम लोग आ चुके थे लिबर्टी सिटी के अंदर कुछ गाड़ियां और बॉडीगार्ड्स देखने और लेने के लिए। लेकिन जब हम लोग यहां पर आए तो अपने को पता चला कि जो अपना फ्रेंड टॉमी है वो किडनैप हो चुका है, और उसके बाद हम लोग उसको ढूंढने के लिए एक लोकेशन पर निकल चुके। वहाँ पर पहुँचने के बाद यार हमारी बंदों से फाइट हुई, और उसके बाद हम लोग ना यार टॉमी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आकर के रुक चुके हैं। बाकी उसकी जो लोकेशन अपने को ट्रेस तो हो गई थी, उसके बाद वो लोकेशन चेंज हो गई। अब मेरे को मालूम नहीं है कि ये बंदा कौन करवा रहा है उसकी लोकेशन चेंज। लेकिन उसके बाद ना ये देख रहे हो गाइस, ये जो सामने की साइड एक बंदा खड़ा है ना, ये सीजे का एक फ्रेंड है, एज ए हैकर कह सकते हो तुम लोग छोटा मोटा, और इसने ना यार उसका नंबर ट्रेस कर दिया है। बाकी ये कुछ ना कुछ तो करने की ट्राई कर रहा है। बाकी सीजे कह रहा है कि मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ, और जैसा भी वो डिसीजन देगा तो हमें वहाँ ही जाना पड़ेगा जहाँ पर टॉमी है। लेकिन गाइस, टॉमी कह रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, कोई भी फायदा नहीं है इधर टाइम वेस्ट करके मेरे को बचाने का, तुम लोग अपनी लाइफ को इंजॉय करो। यार सही में यार टॉमी बिल्कुल पागल हो चुका है। और देखो इस टाइम पर मैं पूरा फुल रेडी हूँ, हमने लास्ट टाइम भी पूरी फाइट करी थी लिबर्टी सिटी के अंदर, और कसम से भाई बहुत ज़्यादा बंदे आ चुके थे, और इस टाइम भी अपने पूरी गन्स रेडी हैं, हम लोग पूरा फुल रेडी हैं फाइट वगैरह करने के लिए। और शायद से सीजे मेरे पास आ रहा है, और काम बना कि नहीं बना एक बार इससे ना बातचीत करके देखता हूँ। तो चलो गाइस, इस टाइम पर मेरी सीजे से पूरी बातचीत तो हो चुकी है, और ओ भाई सीजे कह रहा है कि अब हमें ना रश करना होगा सीधा टॉमी की लोकेशन पर, और आई थिंक सीजे को टॉमी की लोकेशन पूरी मालूम पड़ चुकी है। तो चलो मैं बैठ चुका हूँ सीजे की जी वैगन के अंदर। और हाँ गाइस यार, अगर आप लोग इस वीडियो पर न्यू हो और अपने भाई को पहली बार देख रहे हो, तो अभी के अभी सबके सब जा कर के वीडियो को लाइक कर दो। जो लाइक है वो है पूरे 15,000 लाइक का। चैनल पर न्यू हो चैनल को भी जोर से कर दो सब्सक्राइब। और एक मेन चीज और, मेरा यार 10 तारीख को एग्ज़ाम है, ये जो 10 तारीख है, तो वीडियो थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको दिख सकता है। और इंस्टाग्राम पर मैं भी एक्टिव हो चुका हूँ, फोटोज वगैरह वहाँ पर 2-3 दिन से लगातार पोस्ट कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि जीटे की वीडियो लाओ, जीटे की वीडियो लाओ। ठीक है भाई, फाइनली इस टाइम पर जीटे का ये वाला वीडियो तो आ चुका है, और जो इसका अगला वीडियो होगा वो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, और थोड़ा सा लेट भी आ सकता है। तो चलो इस वाली वीडियो को एंजॉय करो। ओके तो गाइस, इस टाइम पर हम लोग अपनी जी वैगन को भगा करके टॉमी की लोकेशन के शायद क्लोज पहुंच चुके हैं। बाकी जितना अपने को आइडिया है, ये जो राइट साइड में बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पर शायद से टॉमी हो सकता है। तो मैंने बोल दिया सीजे को कि थोड़ा सा ना गाड़ी को पीछे की तरफ लेकर के जा, और वहाँ पर अपने को ना पार्क करके चेक करना चाहिए। और यहाँ पर ना मैं तो सोच रहा हूँ गाड़ी को रोक देते हैं और मैं उतर करके अंदर की साइड चलता हूँ, क्योंकि गाइस जो टॉमी है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बेस्ट फ्रेंड है अपना, तो अपने को ना उसकी जान बचानी होगी। और अचानक से ये वेदर को क्या हो गया यार, बहुत ज़्यादा रेनी वेदर नहीं हो गया? मेरे पास ना इस टाइम पर एक गन है स्नाइपर वाली, तो मेरे को बस सामने की साइड थोड़ा बहुत चेक करना होगा कि क्या मामला चल रहा है। रुको, मेरे को कुछ तो दिखा है यार, मेरे को लग रहा है ना सामने की साइड कुछ गाड़ियां लग रही हैं मेरे को। ये देखो गाइस, सामने की साइड नीचे बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं, मतलब बंदे हो सकते हैं। और एक मिनट, बंदे तो ये रहे, ये देखो भाई बहुत ज़्यादा बंदे हैं। ये गार्ड्स हैं जो इस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और एक बंदा इधर है। बजाने को मैं इसके हेड बजा सकता हूँ, लेकिन पहले ना सीजे को चेक करने दो। अपने बॉडीगार्ड्स आ चुके हैं, अब मेरे को लग रहा है कि एक आधे के हेड बजा करके उसका सर खोल देना चाहिए। तो 3-2-1, एक के मैंने बजा दिया है, और बंदे अलर्ट हो गए, और तू निकल इधर से। ठीक है, बजा दिया हमने। और ये देखो, एक तीर से दो दो निशाने यहाँ पर, एक बंदा मेरे को और नज़र आ रहा है, निकल इधर से। बाकी कोई है क्या? ये रहा ना, अरे मिस हो गया इसको, तो चल निकल इधर से। मेरे पास दूसरी, ओ भाई ये जो स्नाइपर है, ये खतरनाक वाली स्नाइपर है। ये देखो गाइस, एक गया, दो गया, तीन गया, और चार गया, और ये बंदा लग सा क्यों लग रहा है, 5-6 बंदे मैंने एक ही शॉट में लपेट दिए हैं, सबके हेड मारा तुम्हारे भाई ने, और नीचे की साइड से भी बंदे भागना शुरू हो चुके हैं। आओ आओ, जहाँ भी जा रहे हो लेकर ला। अरे भाई वो लोहे पर बच गया है। ठीक है गाइस, इसको मार दिया, इसको भी बजाया है, और इसको भी बजा दिया है। बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला काम हो चुका है, और अपने बॉडीगार्ड्स कह रहे हैं कि हम लोग अंदर की साइड जा करके रश करते हैं बंदों पे। बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन से मैं इनको मार रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया। कवर में आता हूँ, अब स्नाइपर का जूम करता हूँ,
कौन है? ये रहा ये रहा ये रहा, निकलना बेटा इधर से। और ये कैमरे लगा रखे हैं इन्होंने, गोलियां इनको पता नहीं चल रहा कि पड़ कहाँ से रही हैं, लेकिन कैमरे इन्होंने लगा रखे हैं। और जो अपने बॉडी गार्ड्स हैं वो देखो, वो सामने की साइड जा रहे हैं भाग करके। और ये क्या है, ये गाड़ी वाला बंदा कौन है? सीजे का है। अच्छा, मेरे को लग रहा है कि ये जो गाड़ी है ना, ये सीजे जा रहा है लेकर के। वो देखो गाइस, वो ऊपर की साइड पहुंच चुका है। मेरे को बिना ऊपर की साइड चलेना चाहिए, बाकी गोलियां वगैरह चल रही हैं बहुत ज़्यादा। मेरे को लग रहा है कि बंदे सामने की साइड हो सकते हैं। रुक भाई सीजे, मैं भी तेरे पीछे। और ये रहा एक बंदा, इसको तो मैं रख के एक बजाने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा सही बजा दिया इसके जैसे तैसे। और एक आधा बंदा और भी है इधर कहीं, आवाज़ तो आ रही है। ज़्यादातर हमने बंदे तो मार दिए, और ये मार रखा हमने। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ज़्यादा सही। नीचे की साइड से किसी को चुल मच रही है, वो रहा बंदा, बजाया इसके भी। और कौन है? ओ ऊपर की साइड है, चल निकल तू भी, चल इधर से। अरे नहीं नहीं नहीं, रिलोड नहीं, रिलोड नहीं, बजा दिया इसके। ठीक है गाइस। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नीचे की साइड ही गिर गया यार। रुको वापस से चलता हूँ मैं भी ऊपर की साइड। तो देखो गाइस यार, इस टाइम पर मैं कवर में हूँ, सामने की साइड सीजे कवर में है, और जो बंदे हैं वो भाग करके मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं सामने की साइड से। और लेफ्ट राइट में भी भाई बहुत ज़्यादा बंदे हैं, अकेले इस साइड को नहीं है। ठीक है, इसको मैंने डाउन कर दिया है, यहाँ पर 20 बंदे को डाउन कर दिया है। और बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले सिचुएशन में हम लोग फंस चुके हैं। जो अपने बॉडी गार्ड्स हैं वो नीचे की साइड हैं, और मेरे पास एक ऑप्शन बच रहा है, RPG। ठीक है गाइस, बहुत ज़्यादा हो गया था तुम्हारा, निकलो इधर से। ठीक है, इसको बजाया, और इसको भी मैंने बजा दिया है। कवर में आ चुका हूँ, और सामने की साइड कोई बंदा है ना, ये देखो, यहाँ पर तुम्हारे भाई ने एक RPG दबा करके मार दिया है। बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला धमाका हो गया, लेकिन ये रहे बंदे। ओह भाई, पूरा बंदों का झुंड है जिनको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, अरे नहीं पकड़ पाओगे। और ये देखो CJ भी यहाँ पर ना इनके ऊपर बॉम्ब वगैरह फेंकने में लगा हुआ है, और ये बंदा जल चुका है पूरा। ठीक है गाइस, हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली तबाही कर दी है। और यहाँ पर बंदे कुछ बचे हैं, इनको तुम्हारे भाई ने लपेट दिया है एम में। कोई तो चिल्ला रहा है, ये रहे, निकल इधर से। चल भाई, इसको भी हमने ख़त्म ही कर दिया है। और है क्या कोई बाकी? अभी तक ना हमें ये मालूम नहीं पड़ता चला कि टॉमी कहाँ पर है। इतने ज़्यादा बंदे हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिए हैं, टॉमी का कुछ भी अता पता नहीं है। अपने बॉडी गार्ड्स नीचे की साइड हैं यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए, कुछ नहीं। और वो देखो, वो सामने की साइड क्या है, मेरे को लग रहा है बंदे एक्टिंग ना कर रहे हो। इधर गाड़ी में से बंदे उतर रहे थे शायद से, मेरे को लगा था यार, मैंने मार दिया। तो चलो फाइनली इस टाइम पर मैं आगे की साइड चलता हूँ। मेरे को ना गाइस बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ रहा कि कहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन अरे भाई मेरे को लगा मैं उस लोहे के ऊपर चढ़ जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं तो यार नीचे की साइड आकर के गिर चुका हूँ। बाकी अपनी जो गाड़ी है वो कहाँ पर है, मेरे को कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। मेरे को लग रहा है पीछे की साइड होगी। जा भाई सीजे, गाड़ी को लेकर क्या और बॉडी गार्ड्स वगैरह को लेकर क्या? मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ पर और बंदे होने वाले हैं। इस लोकेशन पर शायद से टॉमी नहीं है, अगर होता तो यहाँ पर ना इतने ज़्यादा बंदे होते कि जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन इतने भी ज़्यादा यहाँ पर बंदे नहीं थे, नॉर्मल थे, उनको तो हमने बचा दिया है। और मेरे पास एक आइडिया, ठीक है, इनका नुकसान करके जाते हैं। जितनी भी इनकी गाड़ी हैं इनके ऊपर मैं बॉम्ब लगाने वाला हूँ, और इनको मैं ब्लास्ट करने वाला हूँ। और ये जो धमाका है बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला होने वाला है। तो चलो अब जल्दी से ना ये सब ब्लास्ट करते हैं। तो 3, 2, 1, ये देखो गाइस गाड़ियाँ ब्लास्ट हो चुकी है, एक आधी रह चुकी है, तो इसको भी बजाते हैं इधर। और एक मिनट, ये कौन आ रहा है? ओह नहीं 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 नहीं, ये पुलिस वाले क्यों आ रहे हैं? एक मिनट, मेरे को ना गाइस नीचे की साइड चले जाना चाहिए, शायद से इनको अभी मेरे बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है। ये देखो ये अंदर की साइड भाग करके जा रहे हैं, इनको किसी ने कंप्लेंट कर दी होगी यार कि अंदर की साइड ना फाइट हो रही है कंस्ट्रक्शन साइट पर। और ये लोग पहुंच चुके हैं, सीजे से फाइट कर रहे हैं क्या ये? रुको, सीजे तो नहीं, अरे नहीं यार सीजे से कैसे फाइट कर सकते हैं? सीजे पकड़ा गया क्या? ओ भाई जी वैगन अपनी ये रही, और सीजे को ये लोग घेर करके पकड़ के पीट रहे हैं। रुको मेरे को ना इनको बजाना पड़ेगा। और अरे सीजे को तुम्हारी हिम्मत कैसी हो रही है छूने की? यहाँ पे ब्रिक को छुपा हुआ है, ये मरेगा। ठीक है बजा दिया यार, बजूका ना जैसे मेन है यार, इसको ना इतना वेस्ट नहीं करना मेरे को। चल निकल इधर से। देखो गाइस यार, जो इस टाइम पर जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, क्योंकि लिबर्टी सिटी की पुलिस आ चुकी है, और लिबर्टी सिटी की पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और निकलना,
इसको होश ही नहीं आ रहा था कि इसको किसने बजा दी गन, और पुलिस वाले बस आते ही होंगे। तब तक ना हमें काम करना चाहिए, हमें ना यहाँ पर अपने उस जी वैगन को लेकर के यहाँ से निकलना होगा। और बाकी हमने इस सारे एरिया को स्कैन कर दिया है, मेरे को नहीं लग रहा कि टॉमी यहाँ पर है। और आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा ही तो इंतजार है मेरे को, आओ जल्दी से, जिसमें भी दम है बेटा आ जाओ इस टाइम पर, तुम्हारा भाई नहीं छूटने वाला किसी को। बाकी ये है कैस्टल गार्डन सिटी एक्सचेंज चाइना टाउन यूनियन ड्राइव ईस्ट। तो सीजे कह रहा था कि अपने को ना कैस्टल गार्डन सिटी जाना होगा, और आ जा, तेरा इंतजार कर रहा था मैं, लेट हो गया तू इधर। ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, इस टाइम पर हमारी गाड़ी आ चुकी है, हम लोग कार के अंदर बैठ चुके हैं, अपने सारे बॉडीगार्ड्स मतलब दो बॉडीगार्ड्स बैठे हुए हैं, सीजे भी बैठा हुआ है। तो इस टाइम पर पूरी फुल स्पीड में हम लोग यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर के चल रहे हैं, और एक मिनट, पुलिस वाले बंदे रास्ते में खड़े हुए हैं। तो देखो गाइस यार, इस टाइम पर हम लोग अपने जी वैगन को लेकर के बहुत ज़्यादा आगे की साइड तो आ चुके हैं, क्योंकि पूरी सिटी की पुलिस हमारे पीछे लग चुकी है। अब ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा रिस्क वाली है, तो मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पर ना सीजे कह रहा है कि इसका एक छोटा सा बेस है, जिसके अंदर हम लोग दो मिनट के लिए जा करके ना कुछ कर सकते हैं, मतलब यार हम लोग थोड़े बहुत वेपन ले सकते हैं। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जा भाई सीजे, गाड़ी को ना मैंने पीछे की साइड पार्क कर दिया है, हमें ना जल्दी से इसके नीचे की साइड जाना होगा। और मैं पहुंच चुका हूं नीचे ये बेस में, और ये देखो गाइस यहां पर एमओ वगैरह है, क्योंकि हमारी एमओ कम हो रही थी। अब जल्दी से ना हमें सारी एमओ वगैरह उठानी होंगी, और इस बॉक्स, अरे यार इस पे मैं क्यों गोलियां वेस्ट कर रहा हूं, ये जो बॉक्स है इसके नीचे भी एमओ है। तो जल्दी से सीजे सारी की सारी एमओ उठा ले, डिवाइसेस उठा ले, तब तक मैं दूसरे वाले रूम में जा रहा हूं। और ये देखो गाइस ये जो बॉक्सेस हैं इसके अंदर भी बहुत ज्यादा तगड़ी तगड़ी एमओज हैं। ओके तो गाइस इस टाइम पर पूरा डन हो चुका है, और ये देखो ये आरपीजी लेकर के जा रहा है, ठीक है गाइस, क्योंकि अपने पास आरपीजी कम हो रही थी। ओ भाई ठीक है यार, अब आएगा ना इनको मजा। और तू क्या कर रहा है, इधर निकल इधर से, स्वैट टीम वाला बहुत ज्यादा चौड़ा हो रहा था, इसको बचा दिया। और यहाँ पर सीजे मेरे को कुछ करने ही नहीं दे रहा है, देख रहे हो गाइस मेरे पास ना एक ये वाली एमओ है, ये जो ट्रैक करके बंदे की गेम बजा देती है। चलो बहुत ज्यादा खतरनाक सीन होगा, कोई है, हेलीकॉप्टर आ रहा है, हेलीकॉप्टर कहाँ है, आजा आजा किधर है, आवाज़ तो आ रही है ना, इसको आने दो यार, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो ये सोच रहा है कि हेलीकॉप्टर लेकर के आया तो ये बच लेगा, अबे सही में बच गया, रुको रुको रुको, अब बेटा अब नहीं बचेगा, ठीक है अब नहीं बचेगा, वो तो बस मेरे को चलानी नहीं आ रही थी, निकल। बहुत ज़्यादा बेकार सीन कर दिया मैंने, लिबर्टी सिटी के अंदर तो इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली कभी फाइट हुई नहीं होगी जिंदगी में। और निकलो इधर से, दो दो हेलीकॉप्टर एक साथ ब्लास्ट होने वाले थे, लेकिन अब हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो बहुत ज़्यादा सही। अरे भाई तू क्या, अरे नहीं यार ये तो नॉर्मल बंदा था, मेरे को लगा कि भाई पुलिस वाले आ रहे हैं। तो अब अपने को एक काम करना होगा, पुलिस ना इधर ज़्यादा नहीं है, कुछ गाड़ियाँ हैं पुलिस वालों की, उनको मैंने ब्लास्ट कर दिया है। और अब हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं आ करके। आ रहा है भाई सीजे, बहुत ज़्यादा हमने ना हंगामा क्रिएट कर दिया लिबर्टी सिटी के अंदर। अब जल्दी से मेरे को अपनी गाड़ी को घुमाना होगा, और इसको लेकर के ना अब हमें जाना होगा थोड़ा बहुत आगे, क्योंकि अभी ना हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि टॉमी कहाँ पर हो सकता है। जितना भी अपने को आइडिया था हम लोग उस लोकेशन पर पहुँच गए थे। अरे यार मेरे को ना भगानी होगी अपनी कार, क्योंकि ना यार मौसम भी ख़राब है, ऊपर से पुलिस वाले भी अपना पीछा कर रहे हैं बेकार वाले तरीके से। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पूरी फुल स्पीड में भगाऊंगा, आ जाओ भाई पुलिस वालों, तुम लोग मेरे को बिल्कुल छू भी नहीं सकते हो यार। देख रहे हो गाइस इधर ना हर जगह पुलिस वाले खड़े होकर के हमारा वेट कर रहे हैं। तो सीजे कह रहा है कि जो लिबर्टी सिटी है ये लॉस एंजेलिस जैसी नहीं है, यहाँ की पुलिस भाई पूरी रात हो जाएगी तब भी नहीं पीछा छोड़ेगी। तो अपने को ना पहले इस एरिया को छोड़ करके यहाँ से चलना चाहिए, और हम लोग इस ब्रिज की मदद से थोड़ा बहुत आगे की साइड जाने वाले हैं। और ये देखो गाइस मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, ये जो हेलीकॉप्टर है ये अपनी लोकेशन दे सकता है यार, रुको इसको लगे हाथ बचा देते हैं, लोकेशन देने ही नहीं मैं इसको देने वाला। और चल, अरे 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 मिस हो गया यार, और अब ये जाने वाला है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सीजे ने भी बजा दिया है, अब बैठते हैं हम लोग, क्योंकि आगे की साइड ना मेरे को पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं। बैठ भाई सीजे गाड़ी के अंदर बैठ मेरे को, अरे 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 भाई पुलिस वाले आ रहे हैं, जल्दी से थोड़ा बहुत अपने को कुछ करना होगा, बैठ 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 जल्दी से बैठ, ठीक है। ये देख रहे हो गाइस ये बंदा आ रहा था, ओ भाई बजा दिया सीजे ने इसके ऊपर नेड फेंक करके। अरे यार एक हेलीकॉप्टर नहीं, एक नहीं दो दो आ रहे हैं, और सामने की साइड से ना कुछ मेरे को स्वैट टीम के एक व्हीकल नज़र आ रहा है, रुको ड्रिफ्ट मारेंगे निकल जाएगा, नहीं 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 सीधी हो सीधी हो सीधी हो, वैसे अगर मैंने टेढ़ी ना करी होती तो नहीं निकल पाती आई थिंक वहाँ से। चलो कुछ भी हुआ हो गया मजे मजे में,
और सामने के साइड वो देखो यार, ये स्वैट टीम वाले सोच रहे हैं कि लोग अपने को पकड़ लेंगे। इतना आसान है क्या? नहीं पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे। अरे 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 भाई, आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही की गाड़ी। नहीं यार, अपनी गाड़ी फंस चुकी है फिलहाल। मैं फाइट करता हूँ उतर के। सीधे तो एक काम कर, इसको ना रोटेट कर गाड़ी को और निकल इधर से। आओ बेटा, मैं इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा खतरनाक हूँ, ठीक है? एक तो अपना फ्रेंड मुसीबत में है, ऊपर से हम लोग गाड़ियाँ लेने के लिए आए थे, अपना पूरा मूड ही खराब हो गया यार। चल आओ यार, जो भी आएगा ना सीधा धूल चटा दूंगा उसको, बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। ठीक है यार, ये बंदा कुछ ज़्यादा ही खतरनाक निकला। हटो ना, एक तो ये लिबर्टी सिटी वाले बंदे ही नहीं हटने पे आ रहे। और ये देख लो, इनकी ट्रिप कहाँ की जा रही है। इनको गाइस, इनको बजाना होगा। और चल निकल इधर से। ठीक है, इसको बजा दिया, इसको बजा दिया है। वो जो हेलीकॉप्टर है वो भाग गया था। लेकिन गाइस, फिलहाल इस टाइम पर मैं आ चुका हूँ मशीन गन लेकर के। ठीक है, यहाँ पर इसको भी तोड़ दिया है। पुलिस वालों की गाड़ियाँ आ रही हैं, इनको भी मैं नहीं छोड़ने वाला। ये बंदे हैं ना पुलिस वाले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फुटोगे बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला मैं तुम्हारे प्लेन का। चलो, अरे भाई बहुत ज़्यादा मजबूत हेलीकॉप्टर है यार वो देख रहे हो, पूरा टूट चुका है लेकिन ब्लास्ट अब हुआ जा करके। आओ यार, जो भी आएगा मैं उसको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वेस्ट वगैरह अपने पास है, हम लोग उस बेस के अंदर गए थे वेस्ट वगैरह लेने के लिए। लिबर्टी सिटी की पुलिस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं इन पे, लेकिन दिमाग से थोड़ी इतनी भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो एक हेलीकॉप्टर आ गया है, दूसरा भी आ चुका है जो अपने सर के ऊपर है। इसको बजा दिया है, इसको भी बजाते हैं। अब जल्दी से ना हमें यहाँ से लेकर के अपनी गाड़ी को निकल लेना चाहिए, क्योंकि ना ये लोग तो आते जाएंगे, ये लोग तो ड्यूटी पर हैं। तो चलो गाइस यार, इस टाइम पर हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर तो बैठ चुके हैं, और इस टाइम पर तुम्हारा भाई जो गाड़ी भगाने वाला है ना, अब देखना भाई, पूरी फुल स्पीड में मैं गाड़ी को भगाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले तरीके से भगाने वाला हूँ। बाकी ये जो अपनी जी वैगन है ना, ये डैमेज हो चुकी है, तो सीजे कह रहा है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसा बहुत है, ऐसी मैं 10 जी वैगन लेकर के खड़ी कर दूंगा। ये बुलेट प्रूफ थी लेकिन ये कामयाब नहीं निकली। ओ भाई, क्या क्लियर करा है रास्ता सीजे ने 2 मिनट में ही, नहीं तो हमारी टक्कर हो गई होती बहुत ज़्यादा बेकार वाले तरीके से। और हमें ना इधर से भागना होगा एयरपोर्ट से निकल करके थोड़ा बहुत। अरे नहीं 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 नहीं, शिट यार, मेरे को लगा कि मैं निकाल लूँगा गाड़ी को लेकिन नहीं निकल पाई। रुको, मेरे पे काम कर लेना चाहिए। अबे हटो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरे को ना जल्दी से इधर से आगे की साइड लेकर के अपनी गाड़ी को चलना चाहिए। बाकी चीज़ें तो एक काम कर, अपने फ्रेंड को कॉल कर, उससे ना पूछ के टॉमी की लोकेशन कहाँ पर हो सकती है। ओके, तो गाइस इस टाइम पर पता क्या सीन हुआ है, अभी अभी ना सीजे ने अपने एक और फ्रेंड को कॉल करा था और उसने अपने को एक लोकेशन बताई है। उस लोकेशन पर अगर टॉमी नहीं हुआ तो समझ लो वो कहीं पर भी नहीं अपने को मिलने वाला। फिलहाल इस टाइम पर ना हम लोग अपनी जी वैगन को लेकर के उस लोकेशन के क्लोज तो नहीं है, थोड़ा दूर ही है, लेकिन ट्राई कर रहे हैं कि पूरी लोकेशन पर हम लोग पहुँच जाएँ। यहाँ से अपने को ना राइट मोड़ना अपनी गाड़ी को। और भाई बहुत ज़्यादा पुलिस वाले हैं, ये देख रहे हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये जो लिबर्टी सिटी की पुलिस है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अपनी गाड़ी फंस चुकी है बहुत ज़्यादा बेकार वाले तरीके से। निकलना होगा, ठीक है, मैं निकल चुका हूँ। और यहाँ से ना बिल्कुल सीधा एक रास्ता जाता है, वहाँ पर जा करके अपने को शायद से टॉमी की लोकेशन पता चल जाएगी थोड़ी बहुत। अरे भाई, ये क्या है, बंदे पागल ही है यार एक नंबर के। रुको, तू गाड़ी लेकर के आएगा, मैं यहाँ से इधर से जाऊँगा और अपनी गाड़ी को। अभी रास्ता है कि मैं ऐसे निकल ही जा रहा हूँ? है, रास्ता तो है, ये देख रहे हो, यहाँ से अपने को लेफ्ट की साइड होना है। तो चलो अब जल्दी से ना यहाँ से हम लोग लेफ्ट हो जाते हैं। और ये जो लोकेशन है, शायद से इस लोकेशन पर हो सकता है टॉमी, जहाँ तक अपने को उस बंदे ने बताया था। चलो गाइस, इस टाइम पर ना हम लोग इस लोकेशन के क्लोज तो पहुँच चुके हैं। बाकी जो पुलिस वाले हैं वो अपने पीछे की साइड तो आ रहे थे, तो मेरे को एक काम कर लेना चाहिए, मैं ना इसके ऊपर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, मैं ऊपर की साइड चढ़ता हूँ और इधर उधर ना हम लोग नज़र मारते हैं कि टॉमी कहाँ पर हो सकता है। अपने बॉडीगार्ड्स अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो अपना फ्रेंड टॉमी, भाई फ्रेंड तो क्या, जो अपना ब्रदर टॉमी है, हमें उस वो ज़्यादा प्यारा है, उसकी अपने को जान बचानी होगी। बंदों ने वहाँ पर किडनैप करा था, वहाँ से किडनैप के बाद वो लोग इधर लेकर के आ चुके हैं, देख रहे हो। वो तो जो भी अपने को लोकेशन पता चली, हम लोग डायरेक्ट इंस्टेंट इस लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। और कितना चाहता ऊपर की साइड जाना पड़ेगा यार, देख रहे हो हालत पूरी पतली हो चुकी है ऊपर से चढ़ते चढ़ते। कोई दिक्कत की बात नहीं है, टॉमी के लिए ना मैं हाई एडवांटेज उठाऊंगा, थोड़ा ऊपर जाऊंगा बिल्कुल, और ऊपर से नज़र मारने की पूरी फुल ट्राई करूंगा। तो चलो मैं बिल्कुल ऊपर की साइड तो पहुंच चुका हूं, इसको यूज़ कर सकता हूं क्या मैं? अरे नहीं यार, वो नीचे की साइड ही गिर गया। रुको यार, मैं इसको यूज़ कर सकता हूं? अबे यार, ये तो बस शो ऑफ के लिए रख रखे हैं, नहीं यूज़ कर सकता फिलहाल इस टाइम पर ना। मेरे को कोई नज़र तो नहीं आ रहा है,
लोकेशन तो जस्ट यही बताई थी यार। चलो गाइस इस स्नाइपर मैं अपने स्नाइपर के साथ देख रहा हूँ और ये देखो मेरे को एक बंदा नजर आ रहा है जिसके हाथ में एक आरपीजी है। अरे मैं इस तरह से शूट नहीं कर सकता क्या? और नीचे की साइड नजर मारो, नीचे की साइड ना देख रहे हो गाड़ियां खड़ी हैं तीन चार और आवाज आ रही है मेरे को, ये हेलीकॉप्टर है ना। देखो गाइस यार सही में जो सीजे का फ्रेंड है उसने अपने को लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट सही बताई है। नीचे की साइड कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं जिनको ना मैंने अभी बसुका मार करके डिस्ट्रॉय कर दिया है और कुछ बंदे भी इधर हैं। तो मेरे को एक काम करना होगा, हम लोग ऊपर आए थे यार, अपने को ना नीचे की साइड ही जाना होगा। मैं ना यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के थोड़ा थोड़ा नीचे की साइड जाने की ट्राई करता हूँ और बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे नहीं जाना मेरे को, थोड़ा सा। और अरे भाई लगी तो है मेरे, लेकिन इतना चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर ना ये देखो वो बंदे फाइट कर रहे हैं आपस में। अरे यार शीशा लगा हुआ है मैं जिस करके इसको मार ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे को ना पूरा नीचे की साइड जाना होगा, उसके बाद मैं इसको टच कर सकता हूँ गोलियों से। रुको यार नीचे बहुत ज़्यादा गहरा है, मेरे को ना सीढ़ियाँ उतर करके जाना चाहिए। अब जल्दी से ना नीचे की साइड चलता हूँ, फिलहाल इस टाइम पर ना मैं बहुत ज़्यादा आगे आ रहा हूँ। और ये देखो यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, ये क्या जिसके अंदर एक कंटेनर अटैच है। अरे भाई मेरे को लग रहा है इसके अंदर टॉमी तो नहीं है ना। रुको मेरे को अंदर, अरे यार अंदर तो पूरा इन्होंने क्लोज कर रखा है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे अंदर के साइड, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। और ये देखो ये हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर शायद से टॉमी को इन्होंने अटैच कर रखा है। अब देखो गाइस यार वो जो हेलीकॉप्टर है अगर मैं उसके ना रख करके बजा दूंगा मिनी गन तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से उसके अंदर टॉमी है वो। देखो गाइस क्योंकि ना उसमें एक कंटेनर है जिसके अंदर किसी को ले करके जा सकते हैं और मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर ना पूरा भाई टॉमी है 100%। तो मेरे को ना एक काम कर लेना चाहिए भाई, जल्दी से ना अपनी गाड़ी पर चलता हूँ और सीजे वहीं पर होगा, उसको जा करके बोलता हूँ कि ऐसा ऐसा सीन हो चुका है, अपने बॉडीगार्ड्स अपनी गाड़ी को प्रोटेक्ट कर रहे थे और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार हम लोग गाड़ी से हेलीकॉप्टर का मुकाबला कैसे करेंगे। ठीक है यार अपने सारे फ्रेंड्स अंदर की साइड बैठे हुए हैं, अब जल्दी से ना मैं भी बैठ चुका हूँ सीधा अपनी गाड़ी के अंदर। और ये जो गाड़ी है इसकी कंडीशन आप देख करके अंदाजा लगाओ कितनी ज़्यादा बुरी सी हो चुकी है। और रुको 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 मेरे को एक रास्ता चाहिए बाहर की साइड निकलने के लिए, यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं अपनी गाड़ी प्लीज़ सर? हाँ हाँ हट जाओ सामने की साइड से, अरे हट जाओ ना भाई, यार ये नहीं हटेंगे मरेंगे ये लोग गाड़ी के नीचे आ करके। कोई दिक्कत की बात नहीं है मैं पहुंच तो गया हूं, लेकिन मेरे को ना गाइस ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो जो हेलीकॉप्टर है वो कहां पर जा चुका है। अभी तक तो यहीं पर था लेकिन अब मेरे को नहीं समझ आ रहा कि वो कहां पर, सॉरी यार मेरे को हेलीकॉप्टर देखना होगा कि वो कहां है। वैसे ना गाइस इस टाइम पर मेरे को हेलीकॉप्टर की लोकेशन पता चल चुकी थी और मैं भी अपनी गाड़ी को भगा करके ना हेलीकॉप्टर के पीछे इसके तक पहुंच चुका हूं। और ये देखो यार अभी कहीं दिखने वाला है, इस रास्ते पर पेड़ बहुत ज़्यादा है, वो जा रहा है। और ये मेरे को आइडिया नहीं है कि ये एयरपोर्ट की साइड क्यों जा रहा है यार अपने हेलीकॉप्टर को लेकर के। अब देखो गाइस मेरे पास ना अगर इस टाइम पर कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर होता तो मैं ना इसका पीछा करता, लेकिन ये ऐसी लोकेशन पर जा रहा है जहाँ पर एक रास्ता ही नहीं है सामने की साइड। और ये देखो गाइस यहाँ पर ही रास्ता आकर के ख़त्म हो चुका है और मैं चाहकर भी इसको नहीं पकड़ सकता, और मेरे पास बंदूक़ है मैं बचा सकता हूँ लेकिन उसके अंदर टॉमी है भाई, मैं नहीं बचा सकता यार मैं खुद मजबूर हूँ। अब मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये इस वाली लोकेशन पर क्या करने के लिए जा रहा है, और वहाँ तो शायद से नॉर्थ यंगटन पड़ता है मेरे को लग रहा है। और वो देखो गाइस वो जा चुका है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखो गाइस यार इस टाइम पर सीजे भी वही बोल रहा है कि शायद से वो लोग नॉर्थ यंगटन की साइड जा रहे हैं उस लोकेशन पर, क्योंकि वहाँ पर ना गाइस नॉर्थ यंगटन है, यहाँ पर है वाई सिटी और ये खुद लिबर्टी सिटी है और लॉस सैंटोस उस साइड पर है। अब अपने को ना कुछ तो करना पड़ेगा। सीजे तेरे पास जो भी आइडिया है तो एक काम कर, मेरे हिसाब से ना अपने को टॉमी को बचाना होगा। और ये कहाँ, ठीक है यार ये कह रहा है कि मेरे पीछे पीछे आते रहो, तो चलो सीजे के ना पीछे चलते हैं भाग करके। और अपने बॉडीगार्ड्स भी पूरा साथ दे रहे हैं यार, देख रहे हो सैलरी वगैरह नहीं लेते हैं, अपना पूरा फुल साथ देते हैं। देखो गाइस यार जो हमने बॉडीगार्ड्स लिए थे ना लास्ट वाली वीडियो में वो यार घर पर भी जा चुके होंगे, मेरे को उनका कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और बाकी मैं बैठ चुका हूँ पीछे की साइड आराम से, और ठीक है यार हेलीकॉप्टर को उड़ा करके ना सीजे लेकर के जा रहा है अपने बॉडीगार्ड्स के पास और हम लोग जा करके ना स्कीम बजा देंगे नॉर्थ यंगटन पर। बस यार हमें ना लग रहा है कि टॉमी की लोकेशन है वही और उसी को कंटेनर में लेकर के गए हैं, क्योंकि जो सीजे का फ्रेंड है ये कह रहा है कि मैं तो 100% श्योर हूँ कि वो टॉमी हो सकता है क्योंकि उसकी लोकेशन नॉर्थ यंगटन की साइड शो कर रही है। अब मेरे को मालूम नहीं है कि वो कैसे ट्रैक कर ले रहा है, हैक कर ले रहा है, बट जो भी है ठीक है गाइस। और इस टाइम पर एक बॉडीगार्ड अपना बाहर की साइड क्या कर रहा है भाई खड़े होकर के,
यार इसका मन नहीं है क्या जाने का? मेरे को तो लग रहा है यार इसका मन नहीं है जाने का। नहीं 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 नहीं, नहीं। अचानक से ये जोश में आ चुका है और बैठ चुका है सीधा अपने इस वाले हेलीकॉप्टर के अंदर। और हम लोग इस टाइम पर निकल रहे हैं नॉर्थ यंगटन के लिए। अपनी जो जी वैगन है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। तो ठीक है गाइस, यार इस टाइम पर ना हम लोग भगाते हैं अपने हेलीकॉप्टर को और निकलते हैं नॉर्थ यंगटन के लिए। तो गाइस यार पूरे 2 या 3 घंटे के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं नॉर्थ यंगटन पर। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले पड़ता है लॉस सैंटोस, बाद में पड़ता है लिबर्टी सिटी, वाई सिटी, फिर जा करके भाई नॉर्थ यंगटन पड़ता है। और फाइनली इस टाइम पर हम लोग नॉर्थ यंगटन पर आ चुके हैं हेलीकॉप्टर का पीछा करते करते दुश्मनों का। लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर कहाँ पर हो सकता है। अभी तक तो गाइज हमारे 2 या 3 किलोमीटर आगे चल रहा था और सीजे ने भी उसको पूरा ट्रैक वगैरह कर रखा था। जब ही हम लोग नॉर्थ यंगटन के अंदर आए तो कनेक्शन टूट गया, हमें वो दिखना ही बंद हो गया। अब एक तो स्नो बहुत ज़्यादा है, सब कुछ आपको भी सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा होगा। और एक मिनट सीजे, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर को नीचे की साइड कर। तो मेरे को लग रहा है कि भाई मैंने कुछ देख लिया है। और ये देखो यार नीचे की साइड उसके जो विंग्स हैं, मेरे को लग रहा है कि ये वही हेलीकॉप्टर है। और कुछ गाड़ियाँ मेरे को नज़र आ रही हैं। यहाँ पर नहीं उतारना, मेरे को एक काम करना होगा सीजे, काम कर थोड़ा बहुत इसको आगे की साइड लेकर के चल, क्योंकि अगर हमने दुश्मनों के सर के ऊपर फ्लाई करते रहेंगे तो वो लोग जरूर से कोई बजूका या तो मिसाइल मार करके अपनी गेम बजा देंगे। तो मैं सोच रहा हूँ ये जो चर्च के साथ ग्राउंड है, हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पर ही क्यों ना पार्क कर लें, मतलब लैंड कर लें भाई, पार्क कोई गाड़ी थोड़ी है ये। तो ठीक है भाई, इस टाइम पर ना सीजे ने जैसे तैसे अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करवाना शुरू तो कर दिया है। और देखो गाइज, अपना जो एक फेवरेट दोस्त है टॉमी, एक तरह से वो अपना ब्रदर भी है, हम लोग उसको बचाने के लिए आए हुए हैं। साथ में है अपने बॉडीगार्ड्स और सीजे। और ठीक है गाइज, हम लोग इस टाइम पर पूरे फुल रेडी हैं। बाकी सीजे तेरे को ठंड नहीं लग रही है क्या? देख रहे हो यार, एक पतली सी टी शर्ट के अंदर आ चुका है ये। और इसके हाथ में गन देख रहे हो, बहुत ज़्यादा तगड़ी गन है, रेल गन है भाई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारे भाई के पास भी बहुत ज़्यादा तगड़े वाली गन है। और अपने जो सिक्योरिटी वाले हैं, आ जाओ भाई। देखा गाइस, एक ही बार बोला और एक बंदा उतर करके आ चुका है। और आप लोग बोलते हो कि ये मीम वाली सिक्योरिटी है, मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी में भी ऐसी सिक्योरिटी है, कुछ मीम वगैरह का सीन है। हाँ गाइस, ये बहुत ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी है, आपको अंदाजा तो हो गया होगा। एक बंदा भाई 50 से 60 बंदों को ख़त्म कर सकता है। और वो देखो, सीजे को मैंने बोला है कि अब भी जाते ही फाइट नहीं करनी है, तो शायद से ये कंट्रोल में रहेगा। तो सबसे पहले ना गाइस, मेरे पास गन्स बहुत ज़्यादा तगड़ी तगड़ी हैं, मेरे को ना अपनी स्नाइपर निकालनी चाहिए। फाइनली इस टाइम पर मैंने अपनी स्नाइपर को तो निकाल लिया है। और थोड़ा सा ना मैं जूम करके ट्राई करता हूँ। और वो देखो, मैंने आपको बोला था ना कि सामने की साइड सिक्योरिटी वाले हैं और कुछ मेरे को ना बंदे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि हम लोग जिनका पीछा कर रहे हैं ये वही हैं या तो कोई और है। अगर नॉर्थ यंगटन पर हमारा किसी और गैंग के साथ पाला पड़ गया तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि हम लोग गिनती के 4 लोग हैं, ठीक है। और नॉर्थ यंगटन एक अलग कंट्री है जिसके अंदर अलग माफिया हैं, अलग अलग टोन वगैरह हैं भाई, बहुत ज़्यादा सीन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले ना हम लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट कर लें अपने पैरों से चल करके खुद ही, उसके बाद हम लोग कुछ करें। और मेरी टीम कहाँ रह गई? आ जाओ ना, भाग करके आओ भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, इस टाइम पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है ना, देख रहे हो गाइस पैरों के नीचे, तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा है। और सीजे अपने बॉडीगार्ड्स भी कितने ज़्यादा फनी लग रहे हैं चलते हुए। तो अरे यार सीजे, तू इतनी ज़्यादा आगे कैसे पहुंच गया यार? मेरे को ना जंप करके दूसरी टेक्निक के साथ आना पड़ेगा। और अरे भाई ये देख रहे हो, जंप वाला मैं कर रहा हूँ तो ये भी सेम कर रहा है, मेरे को भी आना पड़ेगा। और बॉडीगार्ड्स बेचारे पूरी ट्राई कर रहे हैं, तो उनका सूट इतना भारी है और गन भी उनके हाथ में बहुत ज़्यादा भारी है। और वो लोग भी पहुंच चुके हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि तुम लोग यहाँ पर वेट करो, ठीक है सीजे? तू मैं तो कह रहा हूँ कि इधर वेट कर बिल्कुल यहाँ पर, और मैं जाता हूँ एक मिनट में, वहाँ से मैं जा करके आता हूँ। और सीजे और अपने बॉडीगार्ड्स यहाँ पर रह करके थोड़ा बहुत नज़र भी रखेंगे मेरे ऊपर स्कोप के साथ। और मैं पहुँच चुका हूँ उस लोकेशन के बहुत ज़्यादा क्लोज। बाकी वो जो लोकेशन थी यहीं कहीं होनी चाहिए, और हेलीकॉप्टर यहीं कहीं देखा था यार मैंने, ये वो लोकेशन नहीं है। मेरे को लग रहा है कि मेरे को ना थोड़ा बहुत और आगे की साइड जाना चाहिए। ये डोर को ओपन करता हूँ। अरे यार नीचे की साइड देखो, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है ना, जिस करके ये फंस चुका है, जैम हो चुका है एक जगह पर। और एक काम करता हूँ मैं ना, थोड़ा सा बैक साइड पर चलता हूँ, यहाँ से कोई रास्ता शायद से मेरे को मिल जाए।
जंप भी नहीं कर सकता, ऊपर की साइड फेंस लगी हुई है, मेरे को ना यार जैसे तैसे इसके अंदर जाना चाहिए। और वो देख रहे हो जो बिल्कुल ना सामने की साइड जो वॉल नज़र आ रही है आपको, गेट है, मेरे को आइडिया है कि बिल्कुल वही लोकेशन है जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर खड़ा है। अब जल्दी से ना मेरे को जैसे तैसे इसके अंदर जा लेना चाहिए। लेकिन ओ भाई, यहाँ पर जगह मेरे को थोड़ी बहुत खाली नज़र आ चुकी है और मैं आ चुका हूँ सीधा जंप करके अंदर की साइड। ये डोर ओपन होगा? अरे नहीं गाइस, ये सब लोग अंदर से लॉक हो रखे हैं तो ये लोग आसानी से ओपन नहीं होने वाले। अब जल्दी से मेरे को ना थोड़ा बहुत जंप कर लेनी चाहिए। अरे यार फिर से ये आ गया, तो अब जैसे तैसे ना मैं दूसरे रास्ते से चलता हूँ। बहुत ज़्यादा चेक कर लिया भाई, आधा घंटा हो चुका है, ना कोई गेट खुल रहा है, जितने भी गेट हैं सारे के सारे जैम हैं। और मेरे को ना कुछ भी करके अंदर की साइड जाना होगा और यहाँ से मैं जाने की एक बार ट्राई करता हूँ। और एक मिनट, यहाँ पर ना कुछ बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं, कोई सामान है मेनली किसी का, तो मैं अगर इसके ऊपर चढ़ करके जंप करके जाऊँ तो मैं आगे की साइड पहुँच जाऊँगा ईजिली मेरे को लग रहा है। ठीक है गाइस, इस टाइम पर अरे नहीं यार, मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया था यार। रुको, मेरे को ना अब यहाँ से जंप करने की ट्राई करनी चाहिए। ये देख रहे हो ये जो फेंस थी ना, ये दिक्कत यहाँ पर दे रही थी। तो फाइनली जैसे तैसे तुम्हारा भाई इनसे बच करके पहुंच गया सीधा दूसरी साइड पर। और यहाँ पर भी मेरे को ना कुछ बॉक्सेस नज़र आ गए थे और मैं शायद से उस लोकेशन के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ आई थिंक। मैं जल्दी से ना इसके ऊपर चढ़ चुका हूँ। ओ भाई बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, लेकिन नहीं लेटना नहीं है माइकल, लेटना नहीं है, मेरे को थोड़ा बहुत और आके चलना चाहिए। और लोकेशन देखो, वो जो चर्च है अपना हेलीकॉप्टर वहीं कहीं पर लैंड हो रखा है, ठीक है। बाकी सीजे वगैरह मैंने कहीं पर तो खड़ाए थे, पीछे की साइड उस टैंक के पास होंगे, मतलब जो भी वाटर टैंक है। अब मेरे को चलना चाहिए थोड़ा आगे। और वो देखो, स्नाइपर को निकाल करके एक बार जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, और मैं भी देखता हूँ। बिल्कुल यही हेलीकॉप्टर था शायद से जो टॉमी को लेकर के भागा था ना, जहाँ तक मेरे को आइडिया गाइस यही था वो हेलीकॉप्टर। और मैं इस लोकेशन के क्लोज हूँ, अभी तक तो मेरे को किसी ने भी नहीं देखा है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ना अंदर की साइड जंप करूँ और फिर देखूँ अगर कंटेनर के अंदर टॉमी हुआ तो हम लोग कंटेनर का जो भी है ना लॉक वगैरह ब्रेक करके यहाँ से ही टॉमी को लेकर के भाग जाएंगे। और जंप करता हूँ भाई इधर से आराम से। ठीक है, मैं ईजिली अंदर की साइड आ चुका हूँ। बाकी बंदे तो नहीं है ना, अपनी छोटी गन हाथ में रखते हैं जो बहुत ज़्यादा साइलेंट गन है। कोई भी नहीं है ना? नहीं, मेरे को तो लग रहा है कि कोई भी नहीं है। तो जल्दी से गाइस मेरे को भाग करके इस कंटेनर के पास आ जाना चाहिए। बाकी मैं पहले ना आवाज़ सुनने की ट्राई भी करता हूँ, अंदर कोई है या तो नहीं है। बाकी मेरे को लग रहा है, ओ भाई ये देखो ऊपर की साइड से स्मोक निकल रहा है, मतलब ये डैमेज हो चुका है हेलीकॉप्टर। अब मेरे को लग तो नहीं रहा गाइस कि कोई अंदर की साइड होने भी वाला है। अगर होता तो यहाँ पर सिक्योरिटी 100% होती है ना, सोच करके देखो। तो मेरे को एक काम करना चाहिए, हो ना हो ये जो वेयर हाउस देख रहे हो, ये जो एरिया है पक्का जो मेन टॉमी है वो इस वेयर हाउस के अंदर है आई थिंक। और बाकी के जो भी बॉडी गार्ड्स थे जिन्होंने उसको किडनैप करा था वो शायद से इसके दूसरी साइड पर है। यार कितना बढ़िया होता अगर मैं देख भी पाता। तो फिलहाल इस टाइम पर ना मेरे को जल्दी से बाहर की साइड निकलना चाहिए। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक रास्ता है, वहाँ से मैं चलता हूँ सीजे के पास। चलो मैं ऊपर की साइड तो आ चुका था, अब जल्दी से ना बॉक्सेस पे तो क्या जंप मारूँ, डायरेक्ट यहाँ से हम लोग उतरते हैं। चलो ठीक है, मैं उतर चुका हूँ और जिस रास्ते से मैं आया था उस रास्ते से मैं वापस हो लेता हूँ सीधा सीजे और अपने बॉडी गार्ड्स के पास। बस वो लोग वहाँ पर ही मेरा वेट कर रहे हैं। अब जल्दी से उनके पास चलता हूँ, उनको बताता हूँ कि मैं आधा एरिया चेक करके आ चुका हूँ गाइस। 50% काम तुम्हारे भाई ने अकेले ने कर लिया, ठीक है। बाकी अब तो मार कुटाई रहेगी है उधर, अब ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक सेकेंड, मेरे भाई कहाँ गए हैं ये सीजे और बॉडी गार्ड्स? अबे यार होना तो उनको यहीं पर चाहिए, मेरे को कहीं पर भी नज़र ही नहीं आ रहे हैं। इन्होंने फाइट तो नहीं शुरू कर दी है ना यार, मेरे को लग रहा है। वैसे गोली की कोई भी आवाज़ नहीं आई है। और एक मिनट, ये कोई गाड़ी आ रही है, इसको साइड देते हैं। लेकिन एक मिनट, अरे अरे भाई ये बंदा कौन है, पागल है क्या, भगा कर क्या है? और अरे भाई ये सीजे है क्या? अरे भाई ये तो सीजे है सही में, और अपने बॉडी गार्ड्स हैं। एक काम करते हैं, ठीक है आ जा बैठ पहले अंदर की साइड, फिर मैं तेरे को सब कुछ समझाता हूँ। ये देखो गाइस अपने बॉडी गार्ड्स बैठे हैं गाड़ी के अंदर, और ये रहा सीजे, मतलब ये लोग एक गाड़ी को चुराने के लिए गए थे। बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर दिया यार इन्होंने तो।
सोच करके देखो हम लोग टोमी को वहाँ से एस्केप करवा लेते हैं और उसके बाद हम ही ना भाग पाते, पैदल पैदल हम लोग तो कहाँ ही भाग लेते हैं। तो गाड़ी को ना हम लोग एक सेफ्टी जगह पर पार्क करेंगे और उसके बाद हम लोग टोमी को बचा करके पूरी फुल स्पीड में इस गाड़ी तक आएंगे। गाड़ी में बैठ करके अपना हेलीकॉप्टर यहाँ पर खड़ा है, हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठ करके यहाँ से 9:45 हो जाएंगे। बस इतना सा प्लान है, सुनने में इजी लग रहा होगा लेकिन नहीं, इजी नहीं है। बाकी मेरे को ना अपनी गाड़ी को शायद से यहाँ पर रोक लेना चाहिए। वो जो रेड कलर की शीट देख रहे हो, बिल्कुल मैं इसके पीछे ला करके रोक देता हूँ अपनी गाड़ी को तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट। रुको भाई, अरे सीजे तू कहाँ ही उछल के गिर गया यार। पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना पूरा घुमा करके पार्क कर देता हूँ गाड़ी को, अगर बंदे आ जाएंगे भाई तो दिक्कत नहीं होगी। सोच करके देखो खुद ही, यहाँ पर मैं इसको जल्दी से पार्क कर देता हूँ उल्टा घुमा करके। बाकी रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। चलो अब जल्दी से इसको बिल्कुल इस साइड को लगा देता हूँ मैं, ये चीज़ पूरी परफेक्ट है। हम लोग वहाँ से डायरेक्ट आएंगे, आपको दिखा देता हूँ, हम लोग यहाँ से भाग करके आएंगे, डायरेक्ट गाड़ियों में लद जाएंगे और यहाँ से हेलीकॉप्टर तक जाएंगे। अब जल्दी से अपनी स्नाइपर को मैंने निकाल लिया है, यहाँ पर बंदे हैं ये देखो। लेकिन एक सेकेंड, ये पुलिस की गाड़ी, शेरिफ लिखा हुआ है, ये पुलिस स्टेशन तो नहीं है यार। डाउट अभी भी हो रहा है, अगर हमने नॉर्थ एंगटन की पुलिस से पंगा ले लिया तो बिल्कुल नहीं बच सकते। ये लोग लॉस सैंटोस तक पीछे पड़ करके घिसरा घिसरा करके पीटेंगे भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो चलो देखा जाएगा जो भी होगा। तो सीजे रेडी है ना तू फाइट करने के लिए? तो देखो गाइस इस टाइम पर सीजे और मैं पूरे फुल रेडी हैं, अपने बॉडी गार्ड्स भी पूरे फुल रेडी हैं। तो सीजे बजूका हमारे हाथ में है, 3, 2, 1। ठीक है गाइस, इस टाइम पर दोनों भाइयों ने यहाँ पर बजूका बजा दिया है और जो भी गाड़ियाँ थी वो मैंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिए और आ गए बंदे, आ गए। ठीक है, ये यहाँ कहाँ पर खड़े हैं यार? पीछे कहाँ देख रहा है बेटा, तेरी टोपी उड़ा दूंगा मैं। ठीक है, ओ भाई सीजे ने उसको कवर कर लिया लेकिन अपना बॉडी गार्ड गिर गया। अबे इतने ज़्यादा, कितने तगड़े वेपन है उनपे, अपने बॉडी गार्ड को मार करके उन्होंने गिरा दिया है और इसके हेड बजा दिया तुम्हारे भाई ने। रुको, पीछे की साइड भी बहुत ज़्यादा बंदे हैं यार, अपने को इनको मारना पड़ेगा। और इसको मार दिया है और एक बंदा उधर था उसको डाउन कर दिया। और ठीक है, अपने बॉडी गार्ड्स मार रहे हैं, मैं भी मिल करके मार रहा हूँ और किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हम लोग, सबकी गेम बजाएंगे। और ये बुलेट प्रूफ है क्या? ये देख रहे हो मैं मारने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये जो इनकी जाली है ये पूरी बुलेट प्रूफ है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अपने हाथ में एक गन रखता हूँ। और अपने बॉडी गार्ड कैसे गिर रहे हैं यार, कौन से ज़्यादा तगड़े वेपन है यार सामने वाले एनिमी के पास। रुको, मेरे को ना दूसरी साइड से जाना चाहिए। और शहर से ये जो चीज़ है ना ये बुलेट प्रूफ है यार, ये देखो मेरे को लग रहा है, क्योंकि एक ट्राई करके देखता हूँ मैं इधर से, एक बंदा इधर है ना। और ठीक है, ये देखो गाइस नहीं जा रही गोली, इसी चीज़ की तो मैं बात कर रहा था, तभी तो वो लोग ज़्यादा चौड़े हो रहे हैं अंदर से। मेरे को ना थोड़ा बहुत साइड से घूम करके जा लेना चाहिए। हाथ में गन रखते हैं, आओ ओए जिसमें दम है आ जाओ। यार ये लोग मेरे को नहीं मार पाएंगे, मैं इनको नहीं मार पाऊंगा, मेरे को जैसे तैसे ना अंदर की साइड जंप करके जाना होगा। और ये देखो सीजे भी जाने की ट्राई कर रहा है, मैं भी जाने की ट्राई कर रहा हूँ। चलो अब जल्दी से अंदर जाने की ट्राई करता हूँ, लेकिन एक मिनट, ये सीजे कह रहा है कि पीछे से बंदे आ रहे हैं। ओ भाई पीछे ये आ रहे हैं यार बंदे तो, सही में गाइस। एक मिनट, पहले ना इनकी गेम बजाता हूँ, इनको भाई पूरी ना दवाई खिला करके आता हूँ मैं। ये देखो बस सीजे तू ज़्यादा फॉर्म में लग रहा है, मेरी गेम मत बजा देना यार। चलो यार जल्दी से, उनको तो मैं छू ही नहीं पा रहा हूँ। अब जल्दी से, मेरे पास एक आइडिया है यार, जिस रास्ते से मैं पहले घूम करके गया था अगर मैं वहाँ से जा करके थप्पा बोल दूँ कितना बढ़िया सीन नहीं हो जाएगा। चलो गाइस इस टाइम पर मैं जल्दी से डब्बों के पास तो आ चुका हूँ और यहाँ से जंप करके इस वेयर हाउस के ऊपर भी आ चुका हूँ। अब जल्दी से एक काम करता हूँ, यहाँ पर है ना बंदे सामने की साइड, सबकी गेम बचाऊंगा भाई, किसी को भी नहीं मैं छोड़ने वाला। आओ भाई किसमें दम है तुम में। ओ भाई यहाँ पर एक बंदा खड़ा, इसको डाउन कर दे तुम्हारे भाई ने। नहीं, ये लोग डोर खोल करके दूसरी साइड से आ रहे हैं और इनको पता ही नहीं है कि इनको गोलियां यहाँ से पड़ रही। चल ना, हेड बजा रहा हूँ भाई, इनकी टोपी नहीं गिर रही, ये चीज़ कुछ समझ से नहीं आ रही है। ठीक है चल, सीजे भी आ गया। ठीक है सीजे भाई, इनका डीजे बजा दे भाई, देखा जाएगा जो भी होगा। और इस हेलीकॉप्टर को खोदना पड़ेगा तो। ओह भाई क्या खतरनाक वाला धमाका हुआ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला हो गया यार। अब जल्दी से मैं नीचे की साइड आ चुका हूँ, अब जल्दी से एक डोर है ना सामने की साइड, हमें इसको खोलना होगा, ये भी बुलेट प्रूफ है। नहीं एक मिनट, ये बंदा है, वो कोने में बंदा छुपा हुआ है, इसको बजा दिया। बंदे कुछ सामने की साइड से ऊपर छत पर हैं। चल ना इधर से, ये देखो ये सोच रहे हैं कि ये हमें डाउन कर देंगे, एक गोली में मैं दो बंदे बजा दे रहा हूँ और ये लोग सोच रहे हैं कि ये मेरे को और सीजे को डाउन कर देंगे। भाई बच्चे हैं यार ये,
रुको, मैं ऊपर की साइड कैसे चढ़ूं यार? फिलहाल इस टाइम पर मेरे को इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ क्या मैं? अरे यार, अगर मैं यहाँ चढ़ जाता कितना बढ़िया सीन नहीं था। अबे चढ़ जा माइकल, चढ़ जा। ये बंदा आ रहा पीछे की साइड से, ये रहा, चल निकल इधर से। बाकी पीछे बंदे हैं, अरे नहीं, इनको तो बजूका देख लेगी मेरी। मरोगे बेटा, मरोगे, ठीक है। अरे भाई हो जाता, ऑलमोस्ट हो गया था, मैं ऊपर की साइड चढ़ गया था। रुको यार, पहले मैं इनको बचाऊं, ये लोग कुछ ज़्यादा तंग कर रहे हैं। ठीक है, सीजे काम कर मेरे साथ आ यार, हमें ऊपर की साइड चढ़ना है इस हेलीकॉप्टर की मदद से। देख भाई सीजे, हम लोग इसके ऊपर चढ़ करके यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं और यहाँ पर इनको पीछे से बजा दिया है। अब जल्दी से ना इसके अंदर जंप करना होगा। मैं फाइनली अंदर की साइड आ चुका हूँ और तेरे हेड बजा चुका हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, बजा दिया मैंने यहाँ पर। बाकी ओ भाई, ये क्या सीन हो गया? मेरे को लग रहा है इनके पास भी बजूका है यार। ठीक है, गाड़ियाँ फोड़ रहा है सीजे, फोड़ रहा है सीजे ने यहाँ पर सही में गाइस, डीजे बजा दिया पूरा। बाहर की साइड से बंदे आ रहे हैं, मैं उनको नहीं मार पा रहा, अपने बॉडीगार्ड्स उनको देख लेंगे। बाकी जितनी भी गाड़ियाँ इनकी, इनको पूरा डिस्ट्रॉय करता हूँ। चलो जल्दी से, मैंने इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है। आ जा सीजे, अंदर की साइड जंप करके आ जा। बहुत ज़्यादा तगड़ा सीन कर दिया मैंने और सीजे भी यहाँ पर पहुँच चुका है गाइस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब देखो ये जो वेयर हाउस है, मेरे हिसाब से तो हमें इसके अंदर जाना चाहिए, है ना? टॉमी अंदर होगा, लेकिन ये गारंटी मेरे को लग रहा है कि ये टोरी लॉक होगा। पता नहीं भाई क्यों ऐसा लग रहा है। ये देखो सीजे जाने की ट्राई कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा है ना। तुम देख रहे हो, किस्मत बहुत ज़्यादा बुरी है यार। मेरे को ना इसको जल्दी से खोलने की ट्राई करना होगा। स्टिकी बॉम्ब है मेरे पास सीजे, रुक, मैं इसके ऊपर हट, दूर हो मेरे से, दूर हो जा। स्टिकी बॉम्ब चिपकाता हूँ मैं जल्दी से यहाँ पर। ठीक है, बाकी ये ना एरिया ही मेरे को पूरा बुलेट प्रूफ सी फीलिंग दे रहा है, पता नहीं भाई क्यों हो रहा है ऐसा। अब मैं जल्दी से ना इस ट्रक के कवर में आ जाता हूँ। तो 3, 2, 1। ओ भाई नहीं फूट रहा ये, नहीं फूट गया। कुछ भी नहीं हो रहा यार, वो देखो तुम्हारे सामने है भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है। बजूका भी बजा दिया, कुछ भी नहीं हो रहा। अब मेरे को ना कोई रास्ता ढूंढना होगा अंदर जाने का। अबे यार, इनकी गेम वापस से बजानी पड़ेगी। ये देख रहे हो, एक तो इन्होंने डोर को ओपन कर दिया है, और रुको मेरे को ना दूसरी साइड से जाना होगा और इनकी गेम बचानी होगी। अपने जो बॉडीगार्ड्स हैं उनके शायद से गन्स वगैरह ख़त्म हो चुके हैं। अबे चलो इधर से, किसमें चुल मच रही है? ये देखो यहाँ पर बंदे खड़े हुए हैं, इनका ध्यान पूरा मेरे बॉडीगार्ड्स पर है और इनकी लगे हाथ। एक ही स्प्रे में मैंने चार चार बंदे बजाए और इसके तो हेड बजाया, इसके भी हेड बजाया। चल चल निकल इधर से, और इसके तो मैं ना प्यारा सा पिस्टल का ही बजाऊंगा। तो 3, 2, 1 निकल इधर से यार। ठीक है बजा दिया है। बाकी और है क्या कोई? ये रहा एक बंदा, चलो बजा दिया। ऑलमोस्ट यहाँ पर सारा काम डन कर दिया। और तुम लोग दोनों के दोनों बाहर खड़े रहो, सीजे तू मेरे साथ आ यार, मेरे को ना अंदर की साइड जा करके सबकी गेम बजानी होगी। ठीक है, बाकी मैं दूर दूर से नज़र मार लूँ, अभी तक तो शांति लग रही है। बाकी जो अपनी गाड़ी है वो खड़ी है ना सामने की साइड, वो खड़ी है गाइस, उसका डोर मेरे को नज़र आ रहा है जो हेलीकॉप्टर सामने है। सारा काम 90% डन हो चुका है, अब जल्दी से चलता हूँ टॉमी को बचाने के लिए। ठीक है चलते हैं। चलो गाइस यार, इस टाइम पर हम दोनों लोग आ चुके हैं वेयर हाउस के अंदर, और ये देख रहे हो गाइस, ये जो माहौल है बहुत ज़्यादा डेंजर माहौल है। बाकी इस टाइम पर अपने को अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बंदे भी हो सकते हैं। और ये देख रहे हो गाइस, बाकी पूरे का पूरा वेयर हाउस खाली है, और पता नहीं भाई पीछे की साइड से क्या आवाज़ें आ रही हैं मेरे को, और यहाँ पर तो कोई नहीं है ना। नहीं पता नहीं गाइस ये क्या रेड रेड सा, इन्होंने कुछ अलर्ट सिस्टम ऑन कर रखा शायद से। और एक मिनट, वो देख रहे हो भाई, वो अपना फ्रेंड टॉमी है। रुको, ये जो पता नहीं भाई क्या वॉल टाइप है, इसको नीचे होने दो। ये देखो गाइस, ये रहा अपना फ्रेंड टॉमी जो एक शीशे के अंदर कैद हुआ पड़ा है। मेरे को एक काम करना होगा, जल्दी से ना मैं यहाँ से चलता हूँ। और क्या हो गया तेरे को भाई, क्यों नहीं जाने दे रहा यार? यहाँ से चलता हूँ यार मैं चुपचाप से, ये तो पागल ही हो गया है, ये सोच रहा है कि ये बचा कर खिलाए। क्या हो गया भाई सीजे, एक मिनट, ये कुछ तो बोलना चाह रहा है। ये कह रहा है कि यहाँ से मत जा क्योंकि, ओ भाई ये देखो यहाँ पर बॉम्ब है। तो गाइस यहाँ पर ये जो बॉम्ब है इस वायर से कनेक्ट हुआ पड़ा है, ये देख रहे हो, इस वायर के थ्रू ये वॉल कनेक्ट है। मेरे को लग रहा है अगर मैं इसके ऊपर पैर रख दूंगा इस वॉल के, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़े वाला धमाका हो सकता है। और बाकी एक ना लेज़र लाइट मेरे को यहाँ पर भी नज़र आ रही है, ये देखो एक रॉड है बहुत ज़्यादा बड़ी सी जिसमें कुछ लाइट्स निकल रही हैं। और ये देखो गाइस, ये भी एक बॉम्ब के साथ कनेक्ट है। सामने शीशे में टॉमी है,
वो भी अपने को इशारा कर रहा है। मेरे को लग रहा है गाइस कि वो भी अपने को कुछ ना कुछ तो बोलना चाह रहा है। मेरे को गाइस तो यहाँ पर लेवल क्रॉस करके आगे की साइड जाना होगा और वहाँ पर जाने के बाद टॉमी को बचा करके लाना होगा। तो एक काम कर भाई सीजे, थोड़ा सा पीछे हो जा, मेरे को ना कुछ तो सोचना ही होगा। अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर से यहाँ पर जंप कर जाऊँ तो चढ़ सकता हूँ क्या मैं? आई थिंक नहीं चढ़ सकता यार। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं यहाँ से भाग करके पूरी फुल स्पीड में आगे जंप कर दूँ तो कैसा रहेगा गाइज? बस पैर अगर टच हुआ तो लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है? तो चलो यार, ये जो वॉल नीचे होगी तो मेरे को जंप करना होगा, ठीक है? और देखा जाएगा यार, जो भी होगा यहाँ पर अपने को अपने फ्रेंड को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं पूरा फुल रेडी हूँ। अब एक बार ऊपर आने के बाद ये नीचे जाएगी तो मैं जंप करने के लिए पूरा फुल रेडी हूँ। तो 3, 2, 1, इस टाइम पर तुम्हारे भाई ने जंप कर दिया है और इस वॉल के मैं आगे की साइड आ चुका हूँ। बाकी मेरे को यार बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि इसमें कुछ होने भी वाला है टच करने पे। बाकी सीजी ने बोला है तो हमें ये काम करना पड़ गया। और ये देखो, अगर मैं इसमें टच हुआ या तो यहाँ पर ये जो शायद से टेबल के साथ कनेक्ट है ना, इसमें टच हुआ तो तगड़ा धमाका हो जाएगा। ये कुछ तो रॉड है, पता नहीं लेज़र लाइट है, पता नहीं रॉड है, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और ये देखो गाइज, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये बॉम्ब है और ये वायर है ना, ये इसके साथ कनेक्ट है, तो रिस्क तो क्यों ही लेना। एक स्टेप हम लोग आगे की साइड बढ़ चुके हैं और बारी है दूसरे स्टेप की। लेकिन ये जो स्टेप है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। हम लोग टॉमी को बचाने के क्लोज हैं, बाकी पीछे की साइड हमने ये वॉल वाला काम तो कर लिया है। अपने को सीजे पूरे पंप भर रहा है, देख रहे हो? अब मेन दिक्कत यहाँ पर आ रही है, मेरे को प्रोनो करके गाइज एक लंबी सांस लेनी होगी और सीधा झुक करके भाग लेना चाहिए। तो 3, 2, 1, ठीक है गाइज, इस टाइम पर पटाखा ना फूट जाए कान के पास, नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा सीन हो जाएगा। वो देख रहे हो गाइज, सामने की साइड वो पूरा कनेक्ट हो रखा है वायर के थ्रू और इस टाइम पर मैं पहुँच चुका हूँ बहुत ज़्यादा आगे। फाइनली आ गया हूँ भाई, सेकेंड स्टेप भी मैंने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है। और सीजे तू थोड़ा बहुत ना अपने हाथ में गन रख ले भाई, तालियां मार करके थक जाएगा तो फाइट क्या ही करेगा, थोड़ा बहुत गन्स लेकर के इधर उधर हो जाए यार। वो देखो सामने की साइड एक रास्ता है ना, वहाँ से भी कुछ भी हो सकता है, तो मेरे को ना अपना बैट उठाना चाहिए। यहाँ पर कोई वायर कनेक्ट तो नहीं है ना? एक है लेकिन ये लाइटों की है। ठीक है, अब जल्दी से मेरे को एक काम करना चाहिए। टॉमी इस टाइम पर पूरा फुल रेडी है बाहर निकलने के लिए, लेकिन मेरे से छुप क्यों रहा है? क्या हो गया भाई तेरे को? इसको तोड़ता हूँ, ठीक है? चलो इस टाइम पर पूरे ग्लास को तोड़ दूंगा मैं, कोई भी ग्लास नहीं छोड़ने वाला मैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा बहुत बुरा सीन हो रखा है हमारे साथ, तो अपने पास टाइम भी नहीं है गाइस। बाहर की साइड भी बंदे आगे होंगे, पूरा ना ग्लास तोड़ देता हूँ मैं पहले, कहीं पता चले कि ग्लास में बॉम्ब वगैरह लगे हुए हैं। तो फाइनली इस टाइम पर मैंने सारे ग्लास खुंदक में तोड़ दिए भाई, पूरा दिमाग खराब हो गया था। और तू क्या भाई कर रहा है इधर? और ये देखो, और एक मिनट भाई, ये क्या है? टॉमी के पीछे की साइड तो बॉम्ब लगा हुआ है, तभी ये जब भी मैं जा रहा था इसके पास ये रोटेट हो जा रहा था। अबे यार, इसके बॉम्ब फिट कर रखा है इन्होंने। वो देखो, वो ताली ही मार करके पता नहीं क्या कर रहा है। रुको गाइस, मेरे को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। आ जा भाई टॉमी, जैसे मैं जा रहा हूँ बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे ही आ जा, और इसका बॉम्ब का इलाज कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा गाइस हमें, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब जल्दी से यहाँ से मैं आ चुका हूँ। अब देखो गाइस यार, मेरे को भरोसा नहीं था जो भी मैं यहाँ पर सर्कस दिखा करके गया हूँ कि इससे कुछ भी फ़ायदा हुआ अपने को। मैंने सीजी को बोला कि एक न्यूज़पेपर उठा, इसने देखो गाइस यहाँ पर एक न्यूज़पेपर उठा लिया जो कि इसके हाथों में है। दिखा भाई इधर मेरे को पहले, ये देखो, ये रहा इसके हाथ में न्यूज़पेपर। और मैंने इसको बोला कि उस वॉल पर फेंक, और देखो हम लोग फेंकती भागेंगे यहाँ से बाहर कहीं। सही में भाई बॉम्ब बहुत ज़्यादा तगड़े लग रहे हैं मेरे को वो। तो 3, 2, 1, इस टाइम पर सीजे ने ये जो न्यूज़पेपर है फेंक दिया, और सही में भाई भागो इधर से। तो चलो गाइस यार, इस टाइम पर फाइनली हम तीनों और पांचों लोग बाहर की साइड आ चुके हैं और अपने बॉडीगार्ड्स कह रहे हैं कि सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने सारा का सारा एरिया यहाँ पर क्लियर कर दिया था, आ जाओ भाई। अभी तो अंदर की साइड छोटे मोटे धमाके हो रहे थे, लेकिन अब भी भाई बहुत ज़्यादा तगड़े वाले धमाके भी यहाँ पर होने शुरू हो सकते हैं। और मैं बैठ चुका हूँ इस टाइम पर इस वाली गाड़ी के अंदर, और आ जाओ भाई तुम लोग भी आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। मैं ना तब तक हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने की ट्राई करता हूँ, ठंड करके उसका इंजन ना जाम हो गया हो। और हेलीकॉप्टर खड़ा उस साइड था यार, सीजे तो कंफ्यूज हो गया है मेरे को लग रहा है। रुको गाइस, यहाँ पर एक मिनट, ये किसकी ग्रेव पर लेकर के आ गया मेरे को ये?
चलो होगी किसी की, अब जल्दी से ना मेरे को, अरे नहीं भाई ये गलत ही लेकर के आ गया मेरे को। तो चलो यार इस टाइम पर हम लोग बिना जंप करके आ चुके हैं चर्च से बाहर की साइड, और ये देखो ये लोग भी आ चुके हैं। बाकी ना ये जो बॉम्ब है ये है 9-10 घंटे में फटने वाला, और टॉमी को कोई भी चिंता नहीं है। टॉमी गाइस पता क्या बोल रहा है कि इसको इधर ही छोड़ दें हम लोग, और हम लोग अपनी जान बचा करके भाग लें। लेकिन ऐसे नहीं भाई, हम लोग इसको नहीं छोड़ सकते फिलहाल। इस टाइम पर ना गाइस प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि हम लोग लॉस सैंटोस में ही जाने में हमें 5 घंटे लग जाएंगे। अब 8 घंटे तक का टाइम है, अपने पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। देखो गाइस जो मेन दिक्कत है यहाँ पर ये है कि जो बॉम्ब है वो ब्लास्ट हो जाएगा 8 घंटे में, और बाकी अपने पास लॉस सैंटोस पहुंचने में 5 घंटे हैं, और इस टाइम पर अपने पूरे बंदे बैठ चुके हैं। ठीक है चलो गाइस इस टाइम पर हम लोग ना टेक ऑफ के लिए पूरे फुल रेडी हैं, और वो देखो भाई वो ब्लास्ट की आपको साउंड आ रहा होगा, ब्लास्ट हो रहा है सामने की साइड। और देखो मेन दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो बॉम्ब है वो 7 या 8 घंटे में मैक्सिमम ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग वगैरह चल रही है, और हम लोग पहुँचेंगे 5 घंटे में लॉस सैंटोस पर। यार धमाके बहुत ज़्यादा तगड़े हो रहे हैं यार, पीछे की साइड आप लोग देख ही रहे होंगे, आवाज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक आ रही हैं। तो देखा जाएगा गाइस टॉमी बच पाएगा या तो हम सब लोग फट जाएंगे, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अगले एपिसोड में आपको सब कुछ पता चलेगा। तो ठीक है गाइस अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को जाकर के जरूर से लाइक कर दो, जो लाइक है मैं पूरे 15,000 लाइक का। चैनल पर नीचे चैनल को भी जरूर से कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।